और मैं आपसे एक सवाल करूं, मैं मुझे ये बताएं इन्फ्लेशन क्या होती है? मैं बिल्कुल आपको बताता हूं, इन्फ्लेशन होती है जब जीडीपी ग्रोथ क्या होती है? मैं बताता हूं, अब मैं दोनों चीजें बताता हूं। ये तलाल चौधरी सामने थोड़ी बैठा हुआ है कि आपने सवाल कर लिया मेरी तरह बता लेंगी। अब बेटा सुन ले, इन्फ्लेशन होती है, अब बेटा सुन लो, मैं बता रहा हूँ, इन्फ्लेशन होती है अफराते जर, उसका मतलब होता है कि जब कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है लोगों की पहुंचे तो उनको इन्फ्लेशन कहते हैं। अच्छा, और इन्फ्लेशन होती है जब मुल्क में कोई ऐसा वजीर आजम रहा हो जिसने लूट मार करके लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉब्लम बता दे कितनी यार आप लोगों की मजदूरी की वैसे बता दे कितनी है मैं इनके दौर से ऊपर है इनके दौर में 9.4 थी हमारे दौर में 6.9 है 6.9 है जी और जीडीपी होती है आपकी ग्रॉस जीडीपी ग्रोथ कितनी है आपकी हां जीडीपी ग्रोथ कितनी जी मैं वो भी बताता हूं मेरा ख्याल से इकोनॉमिक्स की क्लास ही होगी आपको मैंने आपको आप सिर्फ सीधा मुझे सवाल बनाए सवाल ना करना चले जी मैं आगे चलता हूँ एक कंजम्पशन होती है हाँ। आपकी नेट एक्सपोर्ट होती है और आपकी है कितनी बता दे उनको एक तो बेटा बात नहीं सुनती एक तो आपकी नेट एक्सपोर्ट जीरो थी बेटा जी मैं छोड़ देना अंकल कहा था मुझे एक प्रोग्राम में अंकल कहा था इसलिए मैं बेटा ये यूज किया करें अंकल भाई बहन अपने चार लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इससे हम डरने वाले नहीं है ठीक है नहीं डरना आपने अब मैं जीडीपी अब आपको जीडीपी अब आपको मैं जी अब मैं चलेंगे आगे एक तो मायजा से मैं पूछना चाहूंगा आपकी वसादत से जमहूरियत क्या होती है बताएंगी जरा ये जमहूरियत क्या होती है जी बताएं आज आज तो तालिब इल्म बन गए शबाज मैं तो जानना चाह रहा हूँ तालिब इल्म की जमहूरियत क्या होती है माइजा जी बताएं जी जमहूरियत क्या होती है चले आज यहीं से शुरू करते हैं मैं साहब बताइए बता दें आज शबाज गिल साहब को जो है ना मैं इस बात पे एक्सक्यूज करती हूँ क्योंकि ये सिलेक्टेड आदमी है इनको क्या पता जमहूरियत क्या होती है अवाम का वोट क्या होता है जब सिलेक्टेड आदमी आते हैं वो तो मैं और मरियम साहबा दोनों एक तरह के हैं ना तो उनको जमहूरियत तो वो तो मैं और मरियम सफदर रहमान साहबा एक तरह के वो इंग्लैंड से आई हैं आई डिड नॉट इंटरप्ट यू इंग्लैंड में प्रॉपर्टी है मेरी अमेरिका में है उसका जवाब दे वो भी आपके अमेरिका में है हां मेरी अमेरिका में प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया बिल्कुल बिल्कुल सर मेरे वकील ने बिल्कुल डिक्लेयर किया और मैं बचत हो गया मैं इधर एड्रेस भी बताता हूं ऐसा नहीं है कि मेरी लंदन का एड्रेस क्या बताना आप डिक्लेयर किया ना तो तसल्ली होगी मुझे कि मैं करप्ट लोगों के साथ तो नहीं बैठा हुआ ना 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 मायजा हां लिंक पे शायद बैठे हो इधर नहीं बैठे आप अच्छा मायजा ये है कि मैं और बाजी मरियम सफदर रहमान साहबा में काफी मुबासलत है दोनों इंपोर्टेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी यूके में है मेरी यूएस में है वो भी कभी काउंसलर नहीं बनी मैं भी नहीं बना था मैं उसका जवाब चले जी जल्दी से करते हैं फिर मैंने आगे जाना है जमहूरियत की डेफिनेशन बताइए क्या होती है उसे पूछ ले यार ये कौन सा फिलॉसफी का सवाल है आप तो बता देंगे उनसे मैं पूछ बताएं जी समझ नहीं आ सकता आप बताइए कि ये फैमिली लिमिटेड पार्टी को आप सैल्यूट करती हैं बाप के बाद बेटी ये जमहूरियत क्या है मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे आपके अकवाले जरिए बता दे मैया साहिबा बता दे मेरे आगे भी जाना है जमहूरियत क्या है किस बला का नाम है किस चिड़िया का नाम है जमहूरियत इज फॉर द पीपल बाय द पीपल और आपका आपका जो जमहूरियत की डेफिनेशन है वो है एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वो है और ये फासिस्ट क्या होता है जो इमरान खान साहब कहते हैं बार बार फासिस्ट क्या होता है मैं आपको मैं भाई शबाज मेरी बात सुने मैं आपको सीएसएस का इम्तिहान देने यहाँ नहीं आई आप ऐसे तो ना करें ना ये फासिस्ट क्या अभी तो गूगल करें जानना चाह रहा